जय श्री कृष्ण। आज प्रारंभ करूंगी श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला अलग है। ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। हमने 12वें अध्याय के आरंभ में देखा था कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर यानी निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले यानी सगुण साकार की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और यह भी कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान यानी अपने शरीर का अभिमान होने के कारण उनको उपासना में कठिनता होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया और उस श्रेष्ठ भक्त के 39 लक्षण जो पिछले 12वें अध्याय में भगवान ने बताए। अब इस अध्याय में अव्यक्त अक्षर की उपासना यानी निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान की मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का विषय आरंभ करते हैं। लेकिन आरंभ करने से पहले एक बार कुछ लक्षणों को देख लेते हैं जो हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे। तो भगवान कहते हैं, जो शुचि उदासी दक्ष है, जिसको न दुख बाधा रही, इच्छा रहित आरंभ त्यागी भक्त प्रिय मुझको वही। करता न द्वेष न हर्ष जो, बिन शोक है बिन कामना, त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय मुझको घना। सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है, सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है, शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे आसक्त बिन मतिमान है। निंदा प्रशंसा सम जिसे मौनी सदा संतुष्ट है, अनिकेत निश्चल बुद्धिमय प्रिय भक्त है मुझको वही। पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही, भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही। जो मत परायण इस अमृतमय धर्म में अनुरक्त हैं, वे नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। तो यहाँ पे हमने 12वां अध्याय समाप्त किया था। तो अब आगे 13वें अध्याय में निर्गुण निराकार के बारे में जानते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है आदि आदि भौतिक चीजों को यह रूप से कहता है और स्वयं को मैं रूप से कहता है। यही देहाभिमान है, इसी से दूर होना है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि इदम यानी क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें परा जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जगत क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है।
येन सर्वमिदं ततम। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। दृष्टा दृष्टा के किसी अंश में होता है, जैसे आँख में सब कुछ देखने पर भी आँख नहीं भरती, अतः वास्तव में आँख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी ही बातें आप जान लें, लेकिन बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली ही रहती है। जो भरते हैं जो खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हुई। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा यानी क्षेत्रज्ञ के किसी एक अंश में है, देखने वाले हम। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है पर उसकी संज्ञा धनवान नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने पर क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है पर उसकी संज्ञा क्षेत्रज्ञ नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी यानी आत्मा, और दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव स्वरूप है। तो उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताया है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत् अज्ञानम् मतम् मम। यानी हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे को क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्रज्ञ जीव और ब्रह्म एक ही है, एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है यानी शरीर को जानने वाला, और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ है कि शरीर यानी क्षेत्र की अनंत ब्रह्मांडों सृष्टि मात्र के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धे पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्रज्ञ की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ भी एकता है। अतः हमारे से हमसे दूर दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तो तात्पर्य है कि शरीर और संसार एक हैं तथा स्वयं और परमात्मा एक हैं, यही ज्ञान है। तो ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिनाम। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, अनंत ब्रह्मांडों जो में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतना है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है। तो अब पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च याद्रिक च याद्विकार यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मेरिणो। यानी वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप रूप में मुझसे
सुनो। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो चार बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल दो बातें यानी स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। तो इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया, और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। तो इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। तो प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व अधिक रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का यानी धन जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखाई देता है। तो वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति और विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति और विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही उसका वर्णन किया है। अब क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ अद्वितीय है, अनादि है, नित्य है। अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। तो भगवान के द्वारा तत्समासेन में ऋणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानने में समय तो ज़्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। उसके लिए केवल इतना जानना आवश्यक है कि भक्ति योग अपनाए। तो पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुम अद्भिविह निश्चितैः। यानी ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसको बताया गया है। तो यहाँ पे ऋषिर भी बहुधा गीतम यानी वैदिक मंत्रों के दृष्टा और शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथों में जड़ चेतन सत असत शरीर शरीरी देह देही नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। छंदोर भी विविधई पृथक यहाँ विविधई विशेषण सहित छंदो भी यानी पद ऋक यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। तो इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। फिर है ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुम अद्भिविह निश्चितैः यानी अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो संक्षेप में मैं बता रहा हूँ उसे अगर कोई विस्तार से देखना जानना चाहे तो वह इन सब ग्रंथों को देख सकता है। तो अब तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन छह बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी उनमें से क्षेत्र की दो बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के दो श्लोकों में किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः।
यानी मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महत्तत्व, समष्टि अहंकार, पांच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के पांच विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे बताया है अव्यक्तमेव च, यानी अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि होने का, बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। दूसरा है बुद्धि, और बुद्धि महत्तत्व का वाचक है, बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति होने से यह भी एक विकृति है। तात्पर्य है कि बुद्धि प्रकृति विकृति है। तीसरा है अहंकार, तो यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है, इसे अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। सो तात्पर्य है कि अहंकार भी प्रकृति विकृति है। अब महाभूत क्या है? सो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। अब महाभूतों के बारे में थोड़ा सा बता दें, आकाश के दो विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से है और दूसरे आधे भाग के चार विभाग किए, जिसमें उसने एक भाग वायु को, एक तेज को, एक जल को और एक पृथ्वी को दे दिया। अब वायु के दो विभाग हैं, उसमें से आधा विभाग वायु स्वयं है और बाकी दूसरे आधे के चार विभाग किए, जिसको उसने आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दे दिया। तेज के भी दो विभाग हैं, आधे में तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे के चार विभागों को आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दे दिया। ऐसे ही जल के भी दो विभाग हैं, आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और बचे हुए आधे को क्रमशः आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दे दिया। ऐसे ही पृथ्वी के भी दो विभाग हैं, आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के चार विभाग करके क्रमशः एक भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दे दिया, एक एक भाग। तो इस तरह पांचों महाभूतों का पंचीकरण, मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। तो अब 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि पांच विषयों के कारण होने से ये महाभूत भी प्रकृति हैं और अहंकार के कारण होने से ये विकृति हैं। सो तात्पर्य है कि पंच महाभूत भी प्रकृति विकृति हैं, विकृति यानी दोष। इंद्रियाणि दश, अब क्षोत्र, श्रोत्र, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, जीभ और घ्राण, ये पांच इंद्रियां हैं तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। ये दसों इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही हैं। एकम च, यानी अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। और पंच चेंद्रिय गोचरा, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से ये पैदा है और स्वयं किसी का भी कारण न होने से ये पांचों भी केवल विकृति हैं। तो इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि पांच महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये सात प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृतियां हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम है क्षेत्र। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से संबोधित किया है। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रम् समासेन सविकारम् उदाहृतम्।
यानी इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना प्राण शक्ति और घृति धृति इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। तो इच्छा सब जानते हैं, अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले, ऐसी मन में जो चाह रहती है उसको इच्छा कहा जाता है। और तात्पर्य है कि इच्छा मूल विकार है, इसलिए इसका यहाँ जिक्र किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा ना होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। दूसरा है द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहते हैं। तो यहाँ द्वेषः पद के अंतर्गत क्रोध को भी मान लेना चाहिए। फिर है सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। दुख, प्रकृति प्रतिकूलता आने पर मन में जो हलचल पैदा होती है, यानी जो नहीं सुहाता हमें दुख पैदा करता है। संघात यानी 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम है संघात। तो शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी एक विकार है, तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना, अब चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम है चेतना। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है, जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है, और चिंता शोक भय उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। तो यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। तो साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं, इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। फिर है धृति, धृति नाम है धारण शक्ति का, यह धृति भी बदलती रहती है, मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी धैर्य को छोड़ देता है, कभी धैर्य ज़्यादा रहता है कभी धैर्य कम होता है, कभी मनुष्य अच्छी बात धारण करता है कभी विपरीत बात को धारण कर लेता है, अतः धृति भी क्षेत्र का यानी शरीर का एक विकार है। तो तात्पर्य यही है कि यहाँ पे भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् क्षेत्रम कहा, यानी स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है प्रत्युत सर्वथा अलग है, यह बताया है कि शरीर और शरीरी, तो शरीर के साथ ये विकार लिपते हैं लेकिन शरीरी आत्मा के साथ या स्वयं के साथ नहीं। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, यह विशेष ध्यान देने की बात है। जब अहंकार का महत्त्व और मूल प्रकृति को भी कह दिया कि विकार है, अहम से नजदीक महत्त्व है और महत्त्व से नजदीक प्रकृति है, तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप नहीं है। जो मनुष्य स्वयं को और अहम को अलग अलग जान लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने की इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा करते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है, इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 लोकों में वर्णन करते हैं, लेकिन उनको पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए आपसे विदा, जय श्री कृष्ण।